देश में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में 9,851 नए मामले सामने आए हैं। वहीं मौत के आंकड़े की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 273 लोगों की मौत हुई है। वहीं देश में अब तक कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 2,26,770 हो गई है। जल्दी फुल करवा ले अपनी पेट्रोल की टंकी, बढ़ने वाले हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। आज दिखेगा उपछाया चंद्र ग्रहण। भारत में चंद्र ग्रहण दिखने का समय रात 11:16 से आरंभ हो जाएगा, जो कि 6 जून यानी कि शनिवार को 2:34 में समाप्त हो जाएगा। क्या फिर से एक साथ नजर आएगी सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा की जोड़ी? जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे। एक इंटरव्यू के दौरान कपिल शर्मा ने कहा, सुनील पाजी से मुलाकात होती रहती है। हाल ही में हम गुरदास मान के बेटे की शादी में पंजाब में मिले थे और इसके अलावा भी हमारी मुलाकात होती रहती है। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, कोई भी नई सरकारी योजना मार्च 2021 तक नहीं होगी शुरू। एक महिला टीचर ने 25 स्कूलों में काम करने के लिए 1 करोड़ रुपए वेतन। LIC ने दी अपनी ग्राहकों को राहत, 30 जून तक घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं मैच्योरिटी क्लेम। जस्टिस फॉर विनायकी, केरल वन विभाग ने शुरू की जांच, एक आरोपी गिरफ्तार। बाराबंकी में एक ही परिवार के 5 लोगों ने की खुदकुशी, जांच में जुटी पुलिस। कोरोना मरीजों के मुफ्त इलाज के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। कोरोना से निपटने के लिए योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य विभाग को सौंपा अपना सरकारी विमान। मजदूरों के साथ गांवों तक पहुंचा कोरोना वायरस, यूपी बिहार में 70% केस प्रवासियों से जुड़े। मुंबई में लॉकडाउन के बीच 2 लोगों की हत्या, बियर बार में मिली लाशें, इलाके में डर का माहौल। झारखंड और उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल में स्विगी ने शुरू की शराब की होम डिलीवरी। सोमवार से खुल रहे हैं धार्मिक स्थल, आस्था के बीच आपको सुरक्षा का भी रखना होगा ख्याल। दिल्ली में बुखार से तड़पता रहा कोरोना मरीज, नहीं मिले बेड, अस्पताल के बाहर तोड़ा दम। भारत चीनी सैनिकों के बीच कमांडर स्तर की बैठक, चीन की सीमा में होगी मीटिंग। ट्रंप और बिडेन के चुनावी अभियान को चीन और ईरान के हैकरों ने बनाया निशाना। मिट्रॉन ऐप की हो सकती है प्ले स्टोर पर वापसी, लेकिन रिमू चाइना ऐप्स पर सस्पेंस कायम। वहीं तेजी के साथ खुले शेयर बाजार, सेंसेक्स में 305 अंकों की शानदार बढ़त। तो दोस्तों, ये थी आज की टॉप 20 न्यूज। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, आप हमें वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।